अस्सलामुअलैकुम सास्मती चैनल, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ठीक रखे, खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। खुशियाँ मेरी ज़िंदगी दे आमीन सुम्मा आमीन। आते हैं रेसिपी की तरफ। आज की मेरी रेसिपी है फलियाँ कीमा। ये देखें जी, ये मैंने फलियाँ निकाल के फ्रीज दी हुई थी, तो ये मैंने अभी निकाली हैं बाहर। ये आजकल आई हुई हैं फलियाँ, बहुत अच्छी बनती हैं। तो ये मैंने प्याज लिया, लहसुन अदरक लिया, टमाटर लिए हैं, ये मैंने गोश्त लिया, चिकन कीमा डालूंगी, ये मैंने गोश्त लिया और इसका मैं अभी कीमा बनाती हूँ, आपके सामने बनाऊंगी। ये देखें, ये चॉपर लिया मैंने, तो ये देखें, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। सबसे पहले कीमा ही बनेगा, तो फिर साथ में दूसरे सारे काम करूँगी। ये देखें जी, ये डाल दिया और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो देखें जी, कीमा तैयार हो गया, पर रख दिया कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, जरूरत के मुताबिक लेना आपने ये भी अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज डाल रही हूँ, ज़्यादा भी नहीं डालना क्योंकि ये इसका कौन सा शोरबा बनना है। ये डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्ची, जो कीमा बनाऊंगा नमक, लाल मिर्च पीसी पाउडर, ये जो दूसरी होती है कटर मिर्च डाल रही हूँ इसके अंदर, ताकि ये जो प्याज टमाटर मिर्ची ये सारी चीज़ें ज़रा अच्छी तरह गल जाए, तो फिर ये मैश हो जाएगी। जब इसको भूनूंगी तो फिर इसमें मैश हो जाएगी। इसके अब ढकना देती हूँ, ये थोड़ा पकेगा। प्याज पे उस टमाटर डालते हैं सारा कुछ, तो ये मैं भूल गई थी, बल्कि ये भी साथ ही डालना था, डाल जाता ये देंगे ना। कीमा भून गया, अब ये डाल रही हूँ फलियाँ, फलियाँ डाल दी हैं, तो अब मैं उस पर ढकना दे रही हूँ। ये देखें जी, जो फलियाँ मैंने अभी डाली थी उनको भून लिया अच्छी तरह मैंने, फिर उसके अंदर थोड़े से आलू भी डाल दिए थे, क्यों आलूओं को एक अपना जायका है, कीमा भी है, फलियाँ भी हैं, और मैंने एक आलू भी डाल दिया। फलियाँ इतनी मज़े की बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप बनाएं इसको, आजकल जो फलियाँ आई हुई हैं आप इसको बनाएं, ट्राई ज़रूर करें, ट्राई करके इसको बना के खा के एक मंच करके मुझे भी बताएं कि आपको कैसी लगी ये। जो न्यू है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइबर लाइक करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर किया करो, पूरी वीडियो देखा करो, दुआओं में याद रखा करो, फिर मिलेंगे किसी ऐसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।